दोस्तों आज कल्याणी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन है, इसमें हम भाग लिए हैं। हमारे राम नरेश पोदार जी जो बहुत दूर दराज से आए हैं, हमारे कुंडल दो पंचायत के अंतर्गत नीमी ग्राम में हमारे पंचायत के बच्चा गांव का बच्चा को शिक्षा देने के लिए आए हैं। तमाम अभिभावक से मैं विनती करता हूं कि इन्हें बच्चा देने का काम करेंगे और राम नरेश बाबू भी अपना निष्ठापूर्वक आपका बच्चा को शिक्षा देने का काम करेंगे। शिक्षा के समान आंख नहीं, बिना विद्या को मनुष्य अंधा होता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक मसाल बन के आती है। शिक्षा की रोशनी में मनुष्य भला बुरा समझ सकता है, अपने साथ ही पुस्तकों के माध्यम से दूसरे को अंधकार को भी नष्ट कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा चीज है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसके अंदर में जितना है उतना ही टैलेंट होता है। शिक्षा जब तक आपके अंदर में ग्रहण नहीं होगा तब तक आधी रोटी खाइए, एक टाइम खाना नहीं खाइए, लेकिन बच्चा को शिक्षा दिलवाने का काम अवश्य कीजिए, ताकि शिक्षा ही इस युग में सर्वोपरि है। अगर शिक्षा आपके पास नहीं है तो कोई भी आपको ठग सकता है। इसलिए सहानुभूति पूर्वक ध्यान रखते हुए आप अवश्य अपना बच्चा को शिक्षा देंगे। इसलिए आज आप सोच रहे हैं कि हम अपना बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, एक टाइम खाना नहीं खाइए, लेकिन बच्चा को जरूर शिक्षा दीजिए। अड़ोस पड़ोस में कोई शिक्षक बनते हैं या कोई भी सरकारी जॉब में जाते हैं या उसका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा अगर प्रोग्रेस करते हैं तो पड़ोसी बगल का जो होता है वो कहते हैं कि फला को बेटा टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बीडीओ साहब बन गया, प्रोफेसर बन गया, ऐसा करते हैं। लेकिन अभी तो शिक्षा देंगे नहीं। अरे मेरा भी बच्चा अच्छा इनकम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक आपका बच्चा आपका नाम उज्जवल करने वाला नहीं है। इसलिए पुनः एक वक्त और जो भी अभिभावक नहीं आ पाए हैं समय के अभाव के कारण, आप कल्याणी पब्लिक स्कूल में अवश्य एडमिशन कराएंगे। और कल्याणी पब्लिक स्कूल का हम एक परिवार है, जहां तक संभव होगा हर संभव हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आज मेरे पास